नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज आपका फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का कैप अलॉटमेंट लग चुका है, तो उसके बारे में ये वीडियो है। वो अलॉटमेंट कैसे चेक करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे FE 22 महासीटी डालना है, फिर यहाँ पे जो FE 22 महासीटी का जो साइट है वहाँ पर जाना है। यहाँ पर चेक प्रोविजनल अलॉटमेंट स्टेटस कैप राउंड फर्स्ट, यहाँ पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको आपका अप्लीकेशन आईडी और आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर उसके बाद आपका ऐसे कुछ फॉर्म खुलेगा जिस पे आपका ऊपर नाम रहेगा, ठीक है। ऊपर नाम रहने राम नाम रहेगा आपका, यूनिवर्सिटी कौन सा है, क्या है, सब यहाँ पे चीज़ें रहेगी। और यहाँ पे अलॉटमेंट का स्टेटस रहेगा, यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट अलॉटेड इन कैप राउंड फर्स्ट। मतलब ये जो स्टूडेंट्स था जिसने फॉर्म भरा था उसका कैप राउंड फर्स्ट में नंबर नहीं लगा है, ठीक है। तो अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे जिनका कैप राउंड फर्स्ट में नंबर नहीं लगा है, तो उन्होंने क्या करना है, उनका जो परसेंटेज है उसके हिसाब से उन्होंने क्या करना है, वापस कॉलेज का लिस्ट बनाना है जहाँ पे उनका कॉलेज में नंबर लग सकता है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अगर कैप राउंड सेकंड में भी आपका अगर नंबर नहीं लगा तो क्या होगा, आपको कॉलेज का एडमिशन लेना पड़ेगा, वहाँ पर फुल फीस भरना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो आपका अगर आपको इंजीनियरिंग करना ही है तो आपके जो कॉलेज पसंद है, जो कॉलेज आपने देखा है, वो कॉलेज का लिस्ट बनाओ और उसके हिसाब से आप काम करो। इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो मैं बनाता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।